नमस्कार, मैं संजय पत्की। स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो ऑफिशियल, इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूं। तो बोलने से सबसे पहला फायदा होता है कि तुम्हारी टोनल क्वालिटी जिस जगह से गाना गाना है वहां से तैयार होना शुरू होता है, क्योंकि दांत, जीभ, तालु, मस्तिष्क, होंठ, नास, दंत, यहां से आपका कितना बड़ा भ्रम है पता है? आपका भ्रम यह गाना गले में होता है। गाना गले में नहीं होता है, गाना गले से आता है, गले में नहीं होता है, गाना दिमाग में होता है। अगर वो चीज आपके दिमाग में आई नहीं सही तरीके से, अगर गंधार की जगह आपके दिमाग में बेसुर है तो अगर हाँ चलो गला बैठा हुआ है तो सारे ये अगर होता है तो गला ठीक है, मतलब वो गले से आ रहा है। ब्रेन में सही है लेकिन गले से नहीं निकल रहा, तो ब्रेन जैसी ऑर्डर कर रही वो गला वैसा काम नहीं कर रहा। अब यहां पे तो दो चीजें हो सकती है, तो फॉल्ट गले में हो सकता है या फिर आपके ब्रेन में हो सकता है कि सही तरीके से उसने आपने अब्सॉर्ब ही नहीं किया कि वो कहां से आ रहा है, सुर कितनी ऊंचाई है। तो नोम तोम से दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप नोटेशन बोलने के बाद में जब नोम तोम बोलते हो, इस उदाहरण के तौर पर सारे सागर रे सारे ग रे मा ग रे गा मा गा पा मा गा मा पा मा धा पा मा, अगर इतना बोला ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि किस स्वर के ऊपर हमको नोम तोम बोलना है। अगर आप नोम तोम बोल रहे हो और दिमाग में आपके अगर सुर नहीं है, बैकअप माइंड में आपके किस चीज के ऊपर ताना ना 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 तो सारे सागरे सा, अगर ये सोचे नहीं तो नोम तोम आपका बेसुर हो सकता है। यानी सबसे पहले क्या कि आपके माइंड में फ्रंट में तो यहां पे चल रहा है नोम तोम, लेकिन वो किस स्वर के ऊपर आप नोम तोम कर रहे हो वो बैकअप माइंड में आपके स्वर होने ही चाहिए, तभी ही आपका नोम तोम सही सुर में आएगा। यानी इससे क्या फर्क पड़ गया, जब आप कोई भी चीज गा रहे हो या शब्द गा रहे हो तो शब्द के पीछे कौन से सुर है ये सोचने की आदत आपके दिमाग को लग जाती है। तुमसे मिलना तारा नाना सागर गरे सा, ये दरा दरा ये आदत पड़ती है। तुमसे मिलना तारा नाना ताना थागर गरे सा, तो ये क्यों आ गया, क्योंकि मैं जब नोम तोम गाता हूं तो किस सुर के ऊपर किस स्वर के ऊपर मैं रख रहा हूं, रे गा मा पा दा पा मा गरे, अब ये ना 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 ऐसा तो नहीं बोल सकते दिमाग में हो, रे दा रा ना 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 तो रे गा मा पा दा पा मा गा रे पा दा सा दा मा पा गा मा रे नी दा पा सा ता ना 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 तो ता ना 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 तो दिमाग में पीछे रे नी दा पा सा, आपको आदत लग जाती है। दूसरे दो फायदे हो गए, एक तो सुरों का प्रोजेक्शन कहां से होना है वो जगह तैयार हो रही है, दूसरा आपको रेनी धपसा दिमाग में रखकर नोम तोम बोलना है, तो वो शब्द के पीछे कौन से स्वर छिपे हुए ये खोजने की आदत लगना शुरू हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, जब आप किसी का गाना सुनने जा रहे हो तो वो जब गाता है तो आप खोजने जाओगे कि ता ना 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 आ रे गरे मागरे गा, तो आपको वो आदत लग जाएगी कि वो जो गा रहा है उसके पीछे कौन सा नोटेशन आया। अच्छा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने नोम तोम जब बोला था, आपने जब गाना बोला था तो उसके पीछे आपको दिल में दिमाग में नोटेशन रखकर आपने नोम तोम पेश किया था। तो नोम तोम से क्यों करना है नोम तोम, तो ये तीन फायदे नोम तोम के हैं। नोम तोम के तीन फायदे हैं, कौन से तीन फायदे, एक तो आपका सुर कहां से लगना चाहिए, तो आवाज वॉइस कल्चर वॉइस क्वालिटी तैयार होने का जो पार्ट है वो प्रोजेक्शन कहां से करना है वो आपकी बात बन जाती है, दूसरी बात आप सोचने लगते हो कि इस नोम तोम के पीछे कौन से सुर है, तीसरी बात आप सामने वाला जब गा रहा है तो आप समझ पाते हो, आपकी आदत पड़ जाती है अच्छा इसके पीछे कौन से स्वर है। ये तीनों फायदे नोम तोम के रियाज करने से।